मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ भी बात की एंड उन लोगों ने भी मुझे बोला एक और अपडेट है कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस पे बोला था कि मैं इसका रैप करवाने वाला हूँ। सो चीज़ तो पर बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन जो इमरजेंसी का काम है वो है इसका टायर चेंज करवाना। कोई लगा लेंगे अभी एंड बाद में देखा जाएगा फ्यूचर में अगर मुझे चेंजेस करना पड़ेगा, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही सॉलिड है, देख सकते हो कार्बन फाइबर जैसा डिज़ाइन है। अच्छा हुआ कि टाइम के अंदर तुमने इसका चेंज कर दिया, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसपेक्ट पूरा देता। सो हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अभी मैं जा रहा हूँ अपने सोनिक का इंजन ऑयल चेंज करवाने। पिछली बार तुम लोगों ने देखा था कि ऑयल फिल्टर नहीं मिलने के कारण मैं इसका इंजन ऑयल चेंज नहीं कर पाया था, तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ तुम्हारा जगह दुकान पे, वहाँ पे जाके इसका इंजन ऑयल चेंज करवाएंगे। तो चलो सीधा चलते हैं अभी तुम्हारा जगह दुकान। एंड वाई दफे आज का मौसम भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि न्यूज़ में दिखाया गया कि आज बारिश होने का चांसेस है, तो शायद अभी आसपास कहीं पर बारिश हो रहा है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा ठंडा माहौल है। एंड गाइस, इसका हैंडल पहले से भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है। मैंने अपने कुछ दोस्त लोगों से भी बात की एंड उन लोगों ने भी सेम ओपिनियन मुझे बोला कि भाई इसका हैंडल पहले से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है। सो पहले तो मैंने अपने हैंडल के ऊपर 1 इंच का रेजर लगा के थोड़ा सा ऊँचा किया था हैंडल को, एंड अभी तो उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा स्पेसर दे के उसको थोड़ा सा और ऊँचा किया है। सो लगभग अभी ये 1 इंच से थोड़ा सा ऊँचा है, मतलब 1.25 इंच समझ सकते हो तुम लोग। तो उतने से ही भाई इतना कंफर्ट हो चुका है, तो अगर मैं फ्यूचर पे 2 इंच का रहता इसमें लगा होगा तो तुम लोग समझ सकते हो कि इतना कंफर्टेबल हो जाएगा ये हैंडल। मतलब 1 इंच प्लस 1 इंच 2 इंच का रहता होता है वो, उसको लगाने के बाद तो भाई इसको लेकर राइड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड अभी बज रहे शाम के 5, तो कोशिश करते कि सूरज डूबने से पहले अपनी सोनिक इंजन ऑयल चेंज करवा लें फटाफट, क्योंकि उसके बाद तो मुझे कुछ खास दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने अपना टिंटेड विजर लगा के रखा हेलमेट पे, इसीलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है रात को दिखाई देने का। लेकिन मैं लुक की वजह से एंड यूवी प्रोटेक्शन की वजह से मैं इसको लगा कर रखता हूँ, और कोई रीज़न नहीं है इसको लगाने का। गैस एक और अपडेट है कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस पे बोला था कि मैं इसका रैप करवाने वाला हूँ, सो रैपिंग का काम अभी मैं पोस्टपोन करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें अभी 2 मेजर काम है। एक तो है इसका टायर चेंज करना एंड सेकेंड वन इसका बैटरी भी चेंज करना पड़ेगा। एंड उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसका रैप करवाओ या इसका एग्जॉस्ट चेंज करवाओ, क्योंकि ये दोनों चीज़ तो बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन जो इमरजेंसी का काम है वो है इसका टायर चेंज करवाना। एंड बैटरी भी इसका अब ख़त्म होने लगा है, मैंने आज चेक किया था कि एक बार सेल मारने से गाड़ी थोड़ा सा लेट ले रहा है सेल, तो मुझे समझ में आ गया था इसका बैटरी भी चेंज करना पड़ेगा अब, इसलिए टायर एंड बैटरी ये दोनों पहले चेंज करवाना पड़ेगा, उसके बाद रैप या फिर एग्जॉस्ट का काम होगा, उससे पहले मैं ये काम नहीं करवाने वाला। एंड गाइस, बहुत दिनों से मैंने कोई राइड भी नहीं किया है, सो मैं सोच रहा हूँ कि इस संडे मैं थोड़ा सा राइड करूँ, देखते हैं कि कहाँ राइड किया जाए, क्योंकि अब तो सोनिक का इंजन ऑयल भी चेंज हो जाएगा आज, एंड उसके बाद राइड करके भी देखेगा कि लॉन्ग राइड्स पर इसका हैंडल कितना कम्फर्टेबल है, एंड मुझे एक्स्ट्रा 2 इंच का राइजर लगाने की ज़रूरत है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा। ओ भाई देख के चलो भाई, ऐसे टहल रहा है कि मतलब घर की गलियों पे टहल रहा है। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं तुम्हारे दुकान पे एंड आप सीधा चलते इसका इंजन ऑयल चेंज करने। भाई अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे पता नहीं भाई। चलो आप इसके इंजन ऑयल भी चेंज कर लेते फटाफट। तो गाइस ये देखो इंजन ऑयल इधर है, ऑयल फिल्टर अच्छा है कि गाड़ी अभी गर्म है तो बहुत आसानी से ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि ठंडी गाड़ी में इंजन ऑयल चेंज करना नहीं चाहिए, कंपनी भी रिकमेंड नहीं करता, गाड़ी को वार्म करने के बाद इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए। तो वैसे ये देखो स्टॉक मोबाइल का हालात कितना काला हो गया है देख सकते हो। एंड इसके बाद डालेगा हम लोगों ने लिक्विड मोड का 10W40, इसको डालने के बाद भाई परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो चलो इसको फटाफट डालते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग ये चीज़ भी लगाने वाले हैं अपने सोनिक पे, एक बार देख लो। ये देखो ये है सोनिक का लीवर गार्ड, ये हम लगाने वाले हैं। ये डिज़ाइन देखो इसका पूरा फिनिश कार्बन फाइबर जैसा है। ये वाला मुझे ब्लू चाहिए था लेकिन ये मुझे ब्लैक मिला, तो कोई बात नहीं इसको ही लगा लेंगे अभी एंड बाद में देखा जाएगा फ्यूचर में अगर मुझे चेंजेस करना पड़ेगा, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही सॉलिड है, देख सकते हो कार्बन फाइबर जैसा डिज़ाइन है। इसको लगाने के बाद तुम लोग का फाइनल लुक दिखाएगा कैसा लग रहा है। फिलहाल अभी गाड़ी का तो इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, उसके बाद इसको लगाएंगे एंड दिखाएगा तुम लोग का फाइनल लुक। जूस पी रहा है क्या?
सो गाइस सारा काम हो चुका है अपनी गाड़ी का। और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कि हम लोगों ने लीवर गार्ड भी लगा लिया है। मैं तुम लोग को थोड़ी सी रोशनी के सामने लेके जाके दिखाऊंगा, अभी थोड़ा अंधेरा है यहाँ पर। सो गाइस यहाँ से देख सकते हो कैसा लुक आ रहा है अभी। बिच्चू का जो लेज होता है वैसा टाइप का लग रहा है देखने में, अपना हैंडल काइंड ऑफ। और ये कार्बन फाइबर डिजाइन तो एक नेक्स्ट लेवल लग रहा है। सो चलो आप घर चलते हैं, अभी तो अंधेरा भी हो चुका है, अभी बज रहे शाम के 6 एंड मेरा काइंड ऑफ एक घंटा भी लग गया ये सब काम करवाने के लिए। अगर प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे कितना का लिया, तो इसका प्राइस है 700 रुपये। तुम लोग तो उन्होंने के दुकान में आकर चेक कर सकते हो। एंड इससे कम प्राइस का भी मिलता है, उसका क्वालिटी थोड़ा अलग है, इसका क्वालिटी थोड़ा अलग है, डिफरेंस बस यही है, काम दोनों एक ही करता है। एंड गाइस मैं सोच रहा था कि इसका इंजन ऑयल चेंज होने के बाद मैं थोड़ा सा हाईवे में घूम के आऊँगा, लेकिन क्या है कि एक तो अभी अंधेरा हो चुका है और दूसरा मैंने टिंटर वाइजर पहना हुआ है तो अभी सेफ नहीं है हाईवे पे जाना, और तीसरा एक और कारण है बारिश हो सकता है कभी भी, इसलिए तो फिलहाल अभी घर ही चलते हैं। एंड गाइस भैया ने जब इसका पुराना इंजन ऑयल निकाला ना, तो भाई 1 लीटर भी इंजन ऑयल नहीं था गाड़ी में, मतलब 0.5 लीटर इंजन ऑयल था गाड़ी का। एंड भैया ने बोला कि इसका इंजन ऑयल पूरा ख़त्म हो चुका था, अच्छा हुआ कि टाइम के अंदर तुमने इसका चेंज कर दिया, नहीं तो तुम्हारा क्लच पेट पूरा देता। सो इसलिए भाई, तो इसलिए गाइस टाइम टू टाइम गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज किया करो, मतलब कुछ और करो या ना करो लेकिन इसका इंजन ऑयल टाइम टू टाइम चेंज किया करो, क्योंकि इसका इंजन ऑयल गाड़ी का जो खून है वो होता है। एंड गाइस मैंने जो ये लीवर गार्ड्स लगाए हैं, ये लीवर गार्ड्स लगाने के कारण हैंडल में थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या है कि R15 एंड MT में हैंडल के अंदर 2 रॉड डिवाइड रहता है, वो देने का कारण यही है कि हैंडल में वाइब्रेशन कम हो, इसीलिए तो मैंने तो वो निकाल दिया, क्योंकि वो नहीं निकाले गए तो ये लगेगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ जाएगा गाड़ी का, लेकिन कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। मैंने मोटर भी यूज़ किया लेकिन इसके जैसा परफॉर्मेंस मुझे नहीं मिला मोटर पे। भाग रहे देख रहे हो गाइस, क्या भाग रही है गाड़ी अपनी, ओ भाई साहब नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है भाई, लिखो मोलिकल नेक्स्ट लेवल। भाई साहब, ओ भाई साहब, सो लगता है कि आज बारिश होने वाला है। सो ठीक है, मैं घर भी पहुंच चुका हूँ एंड मैं वीडियो को एक बार एंड करता हूँ। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।